पेट्रोल पंप भी भाई सोनार की दुकान से कम नहीं लगता। अब वो 101 रुपये हो गया पेट्रोल, वाह सेंचुरी मार दी इसने तो। कहाँ पे 5 लीटर से ऊपर आता था 500 में। तो विस्फोटक अंदाज से खेलते हुए पेट्रोल ने मार दी सेंचुरी, 101 नॉट आउट। तो क्या हाल है भाइयों के, सो वेलकम बैक टू चैनल ऑपरेटिंग वेल। सो टुडे इज द डे गाइस फॉर विच आई वाज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, लाइक काफी ज्यादा दिनों से मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि जल्दी जल्दी से आ जाए। सो आई हैव कंप्लीटेड द डिजाइन, 90% आई नो व्हाट आई हैव टू डू, बाकी थोड़े से सजेशंस उनसे भी ले लेंगे। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं लगा है सो लेट मी टेल यू दैट आज मैं रैप करवाने वाला हूँ अपनी बाइक को। दिस विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रैपिंग माई बाइक। इससे पहले मैंने 2 बार डेकल किट से इंस्टॉल करवाया थे अपनी बाइक पे, और अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे सकता हूं दैट व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर डेकल किट्स। तो फर्स्ट पॉइंट गाइस ये है कि एक तो वो एक्सपेंसिव होती हैं, दूसरी बात उनको लगाने के लिए एडिशनल चार्जेस लगते हैं। आल्सो जो थर्ड पॉइंट है वो सिर्फ हिमाचल वालों के लिए, बाहर वालों का मेरे को नहीं पता है। तो हिमाचल में भाई इनको लगाने नहीं आती डेकल किट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका डेकल वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं दैट यू शुड गो फॉर डेकल किट, ऑल्दो दिस विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रैपिंग, बट स्टिल मेरे को लगता है कि एक तो चीप होती है डेकल किट से, दूसरी बात ये जो लगाने वाले होते हैं उन्हीं की शॉप से आप वो टेप वगैरह बाय करोगे, पॉसिबिलिटी ये है कि वो अच्छे से काम करेंगे एज कम्पेयर टू डेकल किट लगाने वाले टाइम पे। लाइक ट्रस्ट मी गाइस, जैसा मैं सोच के बैठा हूं अगर वैसा बन जाता है, भाई साहब लिफ्ट मांग रहे हैं कुछ। हाँ दोस्त आ जा यार, कहां पे जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो? अच्छा तो बस नहीं आती, बस नहीं आती, अच्छा अच्छा किराया नहीं था। चमुंडा क्यों जा रहा है? अच्छा माता के दर्शन करने। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइज जो मेरे को आपसे करनी थी, तो बीच में ऐसा हुआ था गाइज मैं 3-4 मंथ्स के लिए बिल्कुल ही ऑफ हो गया था यूट्यूब से। अभी जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी रीच बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, आई एम नॉट गेटिंग इनफ व्यूज एट ऑल। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज सपोर्ट मी, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। पहले भी मैं डिप्रेशन में था तभी मैंने YouTube बंद करके रखा था, अभी जब मैं वापस आ रहा हूँ तो अगेन मेरे को अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा नहीं मोटिवेशन फील होती है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मोटे व्लॉगर्स हो गए यार, लाइक आई एम ग्लैड कि ये वाली कम्युनिटी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है हमारे हिमाचल में, हमारे कांगड़ा में। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना गाइस, धर्मशाला से सिर्फ 2 बंदे होते थे, एक रॉबिन भाई थे बाइक राइवल्स उनका चैनल है, और फिर एक था कबीर, उसका था लॉस्ट राइडर, कबीर ने चलो छोड़ दिया। तो इनको देखने के बाद ही मैं आया था, तो हम 3 होते थे सिर्फ। यार मैं भी योन वाली साइड जा रहा हूँ, इसको आगे तक ले जाता हूँ। दोस्त मैं योन वाली साइड ही जा रहा हूँ, आगे ले चलूँ है ना, उधर से चमुंडा तेरे को पास होगा ना। टू बी ऑनेस्ट व्हाट द हेल ही इज डूइंग मैन, आर यू मैड और समथिंग? सो आई हैव टू राइड मोर केयरफुली राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास एक पिलियन है, किसी का बच्चा है वो, तो ध्यान से चलाना है भाई, क्रैश वगैरह नहीं करना है। भाई कितना खतरनाक चला रहा है ये पंजाब नंबर वाला, डर लग रहा है मैं ओवरटेक करूंगा, इन्हें रिस्की है इसको ओवरटेक करना। अब मैंने चले जाना अंदर को, तेरे को यहाँ से बस मिल जाएगी, ठीक है पास में ही है यहाँ से। तो पैसे कितने देर बस, बस वापस कैसे आएगा? तेरे को पता नवरात्रि का पहला दिन है आज, कब जा रहे हैं मंदिर? मम्मा पापा क्या करते हैं? मम्मा और पापा क्या करते हैं? काम पे जाते हैं? तो तू क्यों चला हुआ मंदिर, मंदिर क्यों जा रहे हो फिर? वाह यार एक काम करियो ना, ये ले पहले तूने इसको चढ़ा दियो मेरे तरफ से भी, ठीक है, और बाकी रुक दो मिनट। ये ले आने का किराया दे दियो ना, और खा भी लेना कुछ, ठीक है। हाँ इधर से मिलेगी बस, इधर से। काश गाइस टाइम होता मेरे पास तो मैं इसको छोड़कर आ जाता, बट मैं अभी मजबूर हूँ, बट पास में यार यहाँ से 5 किलोमीटर है सिर्फ। बाय द वे टुडे इज फर्स्ट नवरात्रा गाइस, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता रानी आपको खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे। आई हैव नो आइडिया गाइस कि शॉप खुली है कि बंद है, मेरा काम आज होगा कि नहीं होगा, मैं बस मुँह उठा के चल पड़ा हूँ। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, अगर आज हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, बिकॉज एक तो नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों में कोई भी काम करवाते तो वो सही सही होता है, अच्छा ही होता है मतलब। तो ये जो पार्ट है यहाँ वाला, ये मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कार्बन टेप मैं लगवाऊँ, बिकॉज कार्बन फाइबर तो यहाँ पे कोई करता नहीं, और वैसे भी अगर करता भी होगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो।
सो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे मैं कार्बन टेप से इसको रैपिंग करवाऊँ, बट आई डोंट नो कि यहाँ के कर पाएंगे लोग कि नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में रहने का यही डिसएडवांटेज है गाइस कि यहाँ पे वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं जो आपको दिल्ली वगैरह में मिलते हैं। मेन तो यहाँ पे यही है कि क्राउड नहीं होने चाहिए यार, अगर भीड़ होगी तो काम। और रे और रे और रे भाई मोटी भीड़ है यहाँ पे तो। सर कैसे हो? बस बढ़िया। सुनो मैंने रैप करवानी है बाइक पूरी, तो मेरा नंबर डाल लो ना। मैंने ये सामान खुलवा करा था सारा, इंडिकेटर वगैरह हज नहीं होनी यार। तो कल तो आप छुट्टी करोगे यार, फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा मेरे को। एक बंदा तो तेरी बाइक में लग जाएगा ना, फिर बाकी रुक जाएगा। तो मेरा काम भी तो ज़्यादा है। काम तो ज़्यादा लेकिन टाइम करो यार कुछ, देखो प्लीज़ टाइम ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरे पास आज का टाइम दिन है बस भाई। पता नहीं अब काम होगा कि नहीं होगा, सामान खुलवाने तो मैं आ गया हूँ हेलमेट गैलरी। ओहो सर कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। टेपिंग कराने लगा मैं, आप ही करते हो ना? खराब हो गया सारा, अब इसको मैं ना पूरी काली करने लगा हूँ और उसके बाद फिर वो गोल्डन कलर का कुछ कराऊंगा बीच बीच में। करते हो आप? नहीं आपसे करवा लूँ, उनसे रहने दो। देख लो आप। देख लो बढ़िया कर दोगे तो मैं आपसे करा लेता हूँ, फिर यहीं से करा लेते हैं फिर, उधर तो भीड़ बड़ी भारी है। तो इस बाइक लग चुकी है अब और टेपिंग वाला काम जल्दी स्टार्ट होगा, बाकी देखते हैं। ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है फिलहाल, तो मुझे नहीं कैसा आउटपुट आएगा। अच्छा जो ये वाला पार्ट है इस पर आप वो कार्बन वाली टेप लगा सकते हो? इस पर नहीं चलेंगे, निकल जाएंगे टेप इस पर। मैंने सोचा था ना कि अगर लगेगा तो लगा लूँगा। सबसे मुश्किल काम गाइस पुराने स्टिकर्स निकालना, ओरिजिनल वाले पुराने बॉडी के स्टिकर्स निकालना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है गाइस, बिकॉज अगर डेकल किट लगेगी जब, सॉरी नॉट डेकल किट, जब रैपिंग होगी तो सामने पता लग जाएगा कि अंदर कुछ है, तो बस उसको अवॉइड करने के लिए ये वाले स्टिकर्स निकालने पड़ेंगे। तो लास्ट बार देख लो ओरिजिनल वाला स्टिकर भाई, मिलता भी नहीं एजेंसी में। क्योंकि जितने भी एक्सेसरीज है जो मैंने इंस्टॉल करवाए थे वो अभी निकालने पड़ेंगे ताकि रैपिंग करते टाइम कोई भी हिंड्रेंस ना आए और स्मूथली रैपिंग हो जाए। अभी इंडिकेटर्स निकलेंगे, आगे वाला वो तो निकल गया जो भी विंगलेट होता है, तो बाकी भी निकलेगा पीछे सैडल से निकलेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बाइक बिना एक्सेसरीज के लगती कैसी है। हो जा रहा है ना साहब? हाँ तो ये स्टिकर निकल चुका है और जो उसकी ग्लू थी वो मेरे को पता नहीं था किस चीज़ से निकालते हैं, बट जो तार पिन होता है जिसको थिनर बोलते हैं, अब उससे निकाल रहे हैं ग्लू को और सही में वर्क तो कर रही है यार, नहीं निकल रही है वो ग्लू। अच्छा ये जो स्प्रे किया आपने ठीक है नॉर्मल, बस वही है पानी और साबुन, मतलब साफ होनी चाहिए तब लगेगी बढ़िया ना। हाँ दाने दाने आ जाएंगे। अच्छा तो भाई एक साइड का टैंक हो चुका है, हाइड हो चुका है, दूसरी साइड का टैंक बाकी है। बढ़िया लग रहा है यार, ग्लॉस ब्लैक लग रहा है। स्टार्टिंग से ही पसंद था मेरे को ग्लॉस ब्लैक, बट अवेलेबल नहीं था अभी, अभी मेरे को ब्लू लेनी पड़ी थी। सो गाइस अभी परम हमको पार्टी दे रहा है, परम शक्ल तो दिखा। अच्छा अभी मेरा हेलमेट नहीं पहना है तो आप प्लीज़ इग्नोर करना, वैसे भी हम आराम आराम से चले बिल्कुल स्लो स्लो। तो कहते कुछ खाने बाहर आए थे बिकॉज भूख लग रही थी और मैंने लंच करा नहीं था। हाँ हो गया साइड ब्रो, तो लंच मैंने करा नहीं था तो बस लंच करने बाहर आए थे और मैंने परम को बुला लिया था। परम शक्ल दिखाया यार एक बार प्लीज़। यो स्मार्ट बॉय। तो अभी वापस जा रहे हैं गाइस, देखते कितना काम हो चुका। काम मैं बीच में छोड़ कर आया हूँ, वैसे आज होगा नहीं पूरा मेरे को लग रहा है, बट देखते हैं। बाकी आई जस्ट होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही हो बिकॉज हवा की आवाज़ होगी मेरी रिकॉर्डिंग। परम शक्ल दिखा जा, पेट पूजा करते गाइस। तो गाइस परम अपना मुँह छुपाते हुए क्योंकि अभी एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। परम शो मी योर फेस ब्रो। क्यों शर्माता है यार, शक्ल यार। इसको डर लगता है कि लड़की फंस जाएगी मेरे से ना, तो मैं शक्ल छुपाता हूँ अपनी। तो गाइस अभी परम की बाइक में हम एग्जॉस्ट लगा के ट्राई करेंगे कैसी साउंड आती है, बाकी मेरी बाइक का काम तो फिलहाल रुका हुआ है। गाइस ये वाला एग्जॉस्ट है जो अभी ट्राई करेंगे हम, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और सुंदर है एंड नो डाउट हैवी भी है। एक हाथ से लिफ्ट करना मुश्किल है बट मैं जिन जाता हूँ मेरे लिए आसान है। चेंज ही नहीं है कुछ आवाज़ में, क्यों नहीं है? बस करें सारे मजे ले लेने, पैसे लगते हैं इसके आगे? नहीं है। इसके आगे यूज़ करने के पैसे लगते हैं। नंबर टू गाइस
एग्जॉस्ट नंबर 3 की आवाज बढ़ गया मैडम कर ऑटो 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 एग्जॉस्ट नंबर 4 गाइस तो गाइस शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी तक सिर्फ स्टिकर निकाले ही जा रहा है और टैंक हो चुका है टेल हो चुकी है और इस साइड के पैनल के स्टिकर की जो ग्लू थी वो निकाली और स्मूथ बनाया तो अभी कल का दिन भी लगेगा अकॉर्डिंग टू मी आज इतना हो सकता है उतना करेंगे बाकी कल का दिन भी हमको लगाना ही पड़ेगा सुबह 5:30 हो रही है इस टाइम शाम के और लक्की भाई का ऑर्डर है कि घर चले जाओ अब तो काम पूरा हुआ नहीं है कंडीशन तुम देख सकते हो इस साइड वाला जो फेंडर था वो रख लिया इन्होंने बिकॉज उसका स्टिकर नहीं निकल रहा था एक बार कंडीशन देखो यार आई जस्ट होप कैमरा जस्टिफाई कर रहा बड़ी ख़तरनाक लग रही है भाई तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है इस टाइम वाइजर ही नहीं है तो क्या सुबह से मैं यहाँ पे बैठा था मेरे को अप्रॉक्स 5 hours हो गए थे यहाँ पे बैठे बैठे अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 40% काम हुआ है अभी तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक डे था गाइज काफ़ी ज़्यादा लंबा दिन था मेरे लिए तो अभी मैं थक चुका हूँ बिल्कुल तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते गाइज बाकी 2 भी कॉन्टिन्यूड कल मैं वापस से काम करवाने आऊँगा तो वापस से वीडियो शूट करूँगा अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है वीडियो